Let me take you dancing like da 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 da. सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल टैग स्टेड में। आज की वीडियो के बारे में बताऊं तो अभी जो आपने रील देखी, हम उसकी एडिटिंग सीखने वाले हैं। सो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना, और एंड तक देखने पे आपको एक सरप्राइज़ भी मिलेगा, वो चीज़ आपके लिए है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना, और वीडियो पे अगर कुछ भी चीज़ पसंद आ जाए देन वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन चाहिए। आज हम पिक्सआर्ट भी यूज़ करेंगे, तो ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, बाकी प्ले स्टोर पर भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद VN वीडियो एडिटर, ये भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नीचे भी लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। 5 फोटोज़ चाहिए आपकी सेम ड्रेस में, सेम लोकेशन पे, बस पोज आपकी अलग होने चाहिए। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। तो यहाँ पे आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करनी है। यहाँ पे मेक अ कॉलाज का ऑप्शन आएगा, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ देन सॉरी। अब अपने ना टोटल 4 फोटोज़ को सेलेक्ट करना, जैसे कि मैंने कहा था कि लोकेशन सेम होनी चाहिए, पोजेस चेंज होने चाहिए, आपकी ड्रेस सेम होनी चाहिए। तो इसी टाइप की मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट करी है, और उसमें से ये मिनिमल वाला टेम्पलेट ले लिया। उसके बाद आना रेशो के ऑप्शन में। रेशो के ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर देना। उसके बाद हर एक फ़ोटो को आपको ड्रैग करके बीचों बीच कर लेना है, ताकि आपका फेस भी दिखे, आपकी बॉडी भी दिखे, आपको जैसी रखनी है इमेज वैसे रख सकते हैं। उसके बाद ऊपर सेव का बटन दिखेगा, उस पर टैप कर देना। सो अब बात करते हैं गिवअवे की। तो गिवअवे बहुत ही आसान है, और ये गिवअवे एक ऐसा गिवअवे है जो आपको मेरी वीडियोज़ का सुपरस्टार बना देंगे। मतलब हमारे चैनल पर आप फीचर होंगे, वो किस तरीके से होना है चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो सपोज़ जैसे कि आज हमारा ट्यूटोरियल ये अपलोड हो रहा है, तो इसमें से ये पार्टिसिपेशन आपको कैसे करनी है, आपको ना एक कमेंट करना है, एंड तक पहले वीडियो देखना है। आपने कमेंट कर दिया, जो भी आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया वो भी आपको बताना है। मतलब अपने जो भी आपको राय देनी है वो बिल्कुल प्रॉपर देनी है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करने की मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस देन आपको सब्सक्राइब करना है, बाकी आपको कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे आपने कमेंट करा, तो मान लो मुझे आपका जैसे XYZ किसी का भी मुझे कमेंट अच्छा लगा, देन मैं उसे कॉन्टैक्ट करूँगा और उससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ले लूँगा। जैसे आप जीते तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ले लिया, उसके बाद हम उनकी फ़ोटोज़ लेके अगली वीडियो में उन्हें फीचर करेंगे, ताकि वो भी मतलब हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें और उन्हें फैमिली जैसा फील हो। तो इसलिए मैंने ये चीज़ करनी चालू करी है। तो जो भी आज जीतेगा वो अगले ट्यूटोरियल में फीचर होगा अपने यूज़र नेम के साथ इंस्टाग्राम के, प्लस उसकी फ़ोटोज़ यूज़ करके मैं उसके लिए रील बनाऊँगा। तो ये था पार्टिसिपेशन, ज़रूर से करना पार्टिसिपेट। अब बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर। सो अब बाकी का पार्ट कवर करते हैं। VN वीडियो एडिटर हमने ओपन करा, यहाँ पे ओपन करते ही आपके सामने जो मेन्यू आएगी उसका वेट करना, और जैसे ही मेन्यू ओपन होगी नीचे की तरफ देखना, आपको प्लस का आइकन दिख रहा है सेकंड नंबर पे, इस पर टैप करना है, देन न्यू प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करते ही फोटोज़ पे टैप करना, और यहाँ से एक कोलास वाली जो अभी हमने पिक्सआर्ट से बनाया उसे सेलेक्ट करना है, और बाकी की 5 फ़ोटोज़ आपकी सेम लोकेशन की, बस अलग अलग पोजेज होने चाहिए, बाकी आपके सेम कपड़े होने चाहिए। इस टाइप से मतलब ट्रेंड में ये चल रहा है। बाकी आपके पास अगर पुरानी फ़ोटोज़ पड़ी हैं देन आप उनसे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट्स मेन नहीं है। बाकी जो ट्रेंड में चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। फिर 9:16 सेलेक्ट करने के बाद एंड से इस ब्लैक पार्ट को डिलीट कर देना। अब आपके जो कोलाज वाली इमेज है उस पर टैप करना है, और इस तरीके से ड्रैग करके बढ़ा लेना है इसके ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन को क्यों बढ़ाना है, क्योंकि ऑडियो में हमें ज़्यादा चाहिए कोलाज वाला पार्ट। अब ऑडियो पे टैप करना है, म्यूज़िक पे टैप करना है, जो ऑडियो यूज़ हो रहा है हमेशा की तरह टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। राइट पे कर देना टैप, राइट पे टैप करते ही ऐड हो जाएगा। अब ऑडियो पे टैप करना, बीट का ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करना। इस पे टैप करते ही यहाँ पे एक बीट लगाई मैंने, ये है आपकी 2.37 सेकंड पे, तो इसे आपको लगा लेना है। 2.37 सेकंड पे लगाते ही इस डॉट पे टैप करना है, स्प्लिट पे टैप करके एक्स्ट्रा पार्ट कर देना डिलीट। एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करते ही आप देख सकते हैं मेरा जो ऑडियो था ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। तो ये रामबाण तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर सेम ड्यूरेशन की काफ़ी सारी इमेज हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी है इस ट्रेंड की तरह। तो सेम ड्यूरेशन वाले में आपको क्या करना चाहिए अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसे सेव कर देना है, क्योंकि हमारी ये रील बन चुकी है। अभी एक स्टेप रह रहा है वो आपको देखना होगा, हमारी रील बन चुकी है पर अभी आपकी नहीं बनेगी। तो अब मैं आपको वो स्टेप भी बता देता हूँ। तो अब है ये जो सेटिंग है उसे कहेंगे टाइम सेविंग सेटिंग, जो आपके फ्यूचर वाले रील्स के एडिटिंग के टाइम भी आपको काम देगी। तो अब बताता हूँ मैं आपको ट्रिक।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है सेटिंग में। यहाँ पे ना एक्सपोर्ट सेटिंग दिख रहा है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। क्या पता आप गलती से पहुँच जाते, तभी मैंने ओपन करके दिखाया। बाकी प्रेफरेंस में आना है मेन, आपको डिफ़ॉल्ट फोटो ड्यूरेशन में आना है। और ऊपर ना आपको ये कॉलम दिख रहा है, जैसे हमें ना 5 फोटोज़ 3.0 सेकंड की चाहिए थी, तो मैंने वही ड्यूरेशन यहाँ पे डाल दी, तो ऑटोमेटिक हमारा काम हो गया, हमें करना भी नहीं पड़ा। तो ऐसे करके आप भी कर सकते हैं और ये काम करते ही आपकी वीडियो बन जाएगी। सो आज का ट्यूटोरियल होता है एंड, और गिव अवे में ज़रूर से पार्टिसिपेट करना ताकि आप विन हो पाएँ और आप कल के वीडियो में फीचर हो पाएँ। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।